आज की वीडियो में 250 वाट की एलईडी लाइट को हमने ठीक करके दिखाया है। अक्सर करके जब आप मार्केट में जाते होगे तो आपने कुछ इस प्रकार की लाइट लगी देखी होगी। ये किसी कंपनी की नहीं है, ये हैंडमेड लाइट है और इसे आप खुद भी बना सकते हो। यहाँ पे ये कुछ जुगाड़ू तरीके से जो B22 कैप है इसको लगाया गया है और ये 50 वाट की एक डोब है, यानी डायरेक्ट ऑन बोर्ड। ये कंप्लीट जो इसके कनेक्शन करे गए हैं वो पैरेलल में करे गए हैं ताकि अगर एक लाइट भी इन पांचों में से ख़राब हो जाए तो बाकी की लाइट जलती रहे। यहाँ मैं आपको चेक करके दिखा भी देता हूँ, ये मैंने सीरीज बना रखी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके 3 पीस ख़राब हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके 2 पीस जो सही हैं वो जल रहे हैं। पैरेलल कनेक्शन में यही फ़ायदा है, इसमें किसी सर्किट की ज़रूरत नहीं होती है। मार्केट में कुछ इस प्रकार से ये अल्फा डोब कहते हैं इसको, ये आती है और ये हाई क्वालिटी की है। सर्किट इसके अंदर ही इनबिल्ड होता है, आपको अलग से सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिए गए 2 पॉइंट पर आप कनेक्शन या सप्लाई देंगे तो जो आपका बल्ब या एलईडी है जिसमें भी आप इसको लगाओगे वो जलने लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके जो ख़राब 3 वो हैं पत्ते, उनको तीनों 50 वाट की एलईडी को हम यहाँ से पत्ते को निकाल देते हैं और उसकी जगह पे नई लाइट लगा देंगे। इसके कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, जहाँ पर 2 टर्मिनल दिए होते हैं वहीं पर आप इसके दोनों पॉइंट को निकाल के सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो यहाँ पर फाइनली देख रहे हैं, अच्छे से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके हमने कनेक्शन कर दिए हैं। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हो तो आप इसको हैंडमेड बना के मार्केट में सप्लाई कर भी सकते हो, बहुत अच्छा काम है। आपको लगभग ये गाँव देहात में छोड़ो शहर में हर दुकान पर देखने को मिल जाएगी। तो ये छोटी सी हमारी वीडियो है, जानकारी है, ताकि आप अगर रिपेयरिंग का काम करना चाहते हैं तो रिपेयरिंग भी कर लें और अगर आप इसको बना के बेचना चाहते हैं तो भी बना लें। तो अभी जैसा कि हम चेक कर रहे हैं, ये फाइनली जो बीच वाली है ये हल्की जल रही है। वो इसलिए जल रही है क्योंकि ये पुरानी है। जब आप इसको अभी सीरीज से चेक किया था, जब आप इसको डायरेक्ट जलाओगे तो ये अच्छे तरीके से जलने लगेगी। चलिए मैं अपने सीरीज बॉक्स जो बोर्ड बना रखा है उसमें मैं जला के दिखा देता हूँ। तो फाइनली आप यहाँ देख लीजिए, ये पूरे तरीके से 5 पीस ग्लो करने लगे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।